जो है आज कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट टू के अंदर यूनिट 2.6 का जो टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जिसके अंदर डायल अप, लीज लाइंस और ISDN हैं, इसको डिस्कस करूँगा। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कितने प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या किसी भी अन्य डिवाइसेस पर जिस पर भी इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो ये इंटरनेट कहाँ से आता है, कितने प्रकार से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, ये सभी प्रकार की जो बातें हैं या डिस्कशंस हैं उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो जब एक यूज़र इंटरनेट द्वारा इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल करता है तो किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उसको कनेक्ट करना पड़ता है या उस वो सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड होती हैं, या तो उसका पैसा देता है या फ्री होती हैं। अलग अलग प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा, जिसको हम डायलअप कनेक्शन बोलते हैं, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये टेलीफोन लाइंस के ऊपर ही है पर ये भी ये डिजिटल सर्विस है। लीज लाइन कनेक्शन, ये डेडिकेटेड लाइंस होती है यूज़र के लिए ही इस्तेमाल होती है, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए पूरी लाइन डेडिकेटेड होती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जहाँ पर मल्टीपल सुविधाएं एक साथ मिलती हैं, जैसे कि इंटरनेट की, फ़ोन की, डिजिटल टीवी चैनल देखने की। वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन जो आपके मोबाइल की सिम जो नेट प्रोवाइड करती है, या अन्य जो डिवाइसेज हैं जो वायरलेस कनेक्टिविटी के द्वारा, हॉटस्पॉट के द्वारा आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। USB मॉडम कनेक्शन है, एक डोंगल लगता है आपके USB पेन ड्राइव जैसा, वो भी डोंगल, और उस डोंगल से आप हॉटस्पॉट के द्वारा कई सारे जो है मोबाइल या अन्य डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट के कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो सिलेबस में तीन पॉइंट डिस्कस करने को हैं, एक तो डायलअप कनेक्शन है, दूसरा जो है वो आपके पास लीज लाइन है, तीसरा ISDN है, ठीक है। वायरलेस आप हमेशा इस्तेमाल कर ही रहे हो, आपके मोबाइल से जो इंटरनेट करते हो वायरलेस कनेक्शन ही है। और अगर आपने USB डोंगल देखा होगा, मीन जो एक्सेस पॉइंट, तो एक वायरलेस होता ही है, एक्सेस पॉइंट का जो राउटर आता है वो भी वायरलेस होता है, और USB डोंगल जो होता है वो पहले आपके किसी कंप्यूटर डिवाइस पे लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका वाईफाई ऑन हो जाता है, तो वो काफ़ी सारी जगह कनेक्टिविटी दे देता है। तो आजकल जो वाईफाई राउटर आ रहे हैं, आप राउटर पे सिम लगी हुई होती है, हालांकि वो सिम से ही कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद आप अपने आसपास जितने भी वाईफाई रेंज में हॉटस्पॉट उसको बना के वाईफाई रेंज में जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं उनको एक की के माध्यम से, मीन्स उसमें वाईफाई आ जाएगा, फिर अगर आपने की सेट कर रखी है तो उस की से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे डायलअप कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले ये 1980s में आ गया था डायलअप कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन की सबसे पहली कनेक्टिविटी जो थी टेलीफोन लाइन के द्वारा, इंटरनेट कनेक्शन को कंप्यूटर के साथ, टेलीफोन लाइंस कंप्यूटर के साथ जुड़ती थी, उसमें डायलअप कनेक्शन आपको करना पड़ता था, और इस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के बीच में इंटरफेस का काम करता था। इस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को लेवल 2 प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें एक डायलअप टर्मिनल के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्राप्त होती है। इस प्रकार के कनेक्शन में जो कंप्यूटर सिस्टम हमें इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा प्रदान करता है उसको होस्ट कंप्यूटर किया जाता है, जबकि जिस कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है उसको क्लाइंट या टर्मिनल कंप्यूटर के नाम से, या डम टर्मिनल बोलते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर से एक नंबर डायल करना पड़ेगा, वो मॉडेम के थ्रू कनेक्टिविटी है, और जो नंबर डायल करेगा वहाँ पर वो होस्ट कंप्यूटर है, और होस्ट कंप्यूटर पर आपका जितना भी आपके यहाँ से जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी वो होस्ट कंप्यूटर पर जाएगी, होस्ट कंप्यूटर पर ही इंटरनेट आ रहा है, और वो आपको जो आपने रिक्वेस्ट देखी वो आगे भेज देगा सर्वर पे, और होस्ट कंप्यूटर वापस जो रिस्पॉन्स आया वो आपको दे देगा। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। क्लाइंट कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक मॉडर्न डिवाइस का उपयोग करता है, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर को ऐसा फीलिंग प्रोवाइड करता है जैसे वो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ा है, जबकि वास्तव में वो एक होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मीन्स जब तक वो टेलीफोन नंबर कनेक्टेड है, जो नंबर है, तब तक ही कनेक्टिविटी, अगर वो डाउन हो गया तो आपका होस्ट कंप्यूटर से संपर्क
टूट जाता है और आपका इंटरनेट एक्सेस ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये मोस्ट अनरिलायबल कनेक्शन होता है, क्योंकि बार बार कनेक्शन डिसकनेक्ट होता है। एक और समस्या है इसमें, जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो टेलीफोन नहीं काम करता, और टेलीफोन अगर आपने उठा लिया, काम चालू कर दिया, तो तब भी डिसकनेक्शन होता है। तो ये बहुत फ्रिक्वेंट डिसकनेक्शन होता है, क्योंकि पहले होस्ट जो सिस्टम है वहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी होती है, फिर वहाँ से इंटरनेट चालू होता है। तो आपको डायरेक्ट इंटरनेट नहीं मिलके, होस्ट के थ्रू मिलता है, पर आप डायरेक्टली होस्ट से कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो इसलिए डायल अप कनेक्शन बोलते हैं इसके लिए। इसके लिए क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए? एक तो इंटरनेट सपोर्टेड डिवाइस, जैसा कि आपका मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टैबलेट है, लैपटॉप है, या कोई भी डिवाइस, मॉडम, टेलीफोन लाइंस। अच्छा, टेलीफोन लाइंस के साथ एक कनेक्शन, जिस नंबर को आप डायल करोगे वो एक कनेक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरा, क्लाइंट का सॉफ्टवेयर, मीन्स आपका वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने कंप्यूटर ले लिया, मॉडम है आपके पास, मॉडम टेलीफोन लाइंस आई, आपने मॉडम में कनेक्टिविटी दे दी, और मॉडम का कनेक्शन कहाँ दे दिया, कंप्यूटर पे, और आपने डायल अप का एक सेटअप नेटवर्क बना लिया। वो नंबर अब आपको डायल हुआ, नंबर डायल होते वो कहाँ डायल होगा, होस्ट से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके लिए आपको अकाउंट मिलेगा, और आप जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा, फिर जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस करना है तो क्या करोगे, आप वेब ब्राउज़र खोलोगे। वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, या कोई भी अन्य इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वहाँ से आप कनेक्ट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये डिवाइसेस आपके पास होनी चाहिए, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। फिर ये दूसरा कनेक्शन जो है वो आपके पास लीज लाइन है। लीज लाइन कनेक्शन में जो इंटरनेट होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, इस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे अधिक सिक्योर, डेडिकेटेड और फास्ट व सबसे अधिक महंगा होता है। इसलिए इस कनेक्शन को यूज़ करते समय हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट नेटवर्क से हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हर समय डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। मींस इसमें आप प्रत्येक ईस्ट साइड ऑफ द लाइंस इज परमानेंटली कनेक्टेड एंड ऑलवेज एक्टिव एंड डेडिकेटेड टू द अदर्स। मींस इसमें आपके लिए पर्टिकुलर यूजर जिसने डिजिटल लाइन खरीदी है, उसके लिए दोनों एंड पर कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो लीज लाइन भी एक तरीके से वो लाइन आपके लिए बना दी पूरी, उसमें कोई दूसरा अन्य यूजर कनेक्टिविटी या उस लाइन को यूज़ नहीं कर सकता। लीज लाइन्स आर डेडिकेटेड, दिस मीन्स दैट ऑल अलोंग द राउट ऑफ योर लीज लाइन द बैंडविड्थ यू नीड हैज़ बीन रिजर्व सोली फॉर योर यूज। मीन्स आप दूसरे जैसे और होते हैं कंप्यूटर कनेक्शन जहाँ पर बैंडविड्थ जो है दूसरा इस्तेमाल कर लेता तो आपकी बैंडविड्थ कम हो जाती है, इस तरीके का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। वो पूरी की पूरी बैंडविड्थ आप और आपके लिए ही है, इसलिए ये सिस्टम कभी डाउन नहीं होता, ना स्पीड इसकी कम होती है। जिस स्पीड से आपने लिया है 24/7 वही कनेक्टिविटी भी पूरी टाइम रहती है और स्पीड भी वही रहती है। दूसरा, अच्छा, यूज़र कोई आएगा ही नहीं, शेयर ही नहीं करेगा, तो सिक्योरिटी भी हाईएस्ट होगी। लीज लाइन्स आर सिमेट्रिक, दिस मीन्स इसका मतलब है कि उसमें अपलोड और डाउनलोड दोनों की स्पीड सेम होगी। जितनी स्पीड से आप अपलोड कर रहे हो उतनी स्पीड से आप डाउनलोड कर सकते हो। लीज लाइन कैन कैरी नंबर ऑफ डिफरेंट, इसमें जो सर्विसेज हैं खाली इंटरनेट के लिए नहीं होगी, इंटरनेट ट्रैफिक तो ऐसे ही फ़ोन कॉल्स कर सकते हो, कॉरपोरेट VPN, VPN का मतलब तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का ट्रैफिक बना सकते हो, कोई अलग से इंटरनेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लीज लाइन्स है फास्टर डाउनलोड स्पीड, फास्टर, इसका फ़ायदा क्या है, डाउनलोड स्पीड अधिक है, अपलोड स्पीड अधिक है, कनेक्शन कभी स्लो होता ही नहीं है पीक आवर्स में, बहुत अधिक रिलायबिलिटी है, बेटर सपोर्ट है, बेटर सिक्योरिटी। बस इसका नुकसान क्या है, इसकी सेटअप कॉस्ट बहुत हाई है, वर्किंग कॉस्ट भी हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है। मीन्स ये एक ही हिसाब से है कि इसकी कॉस्टिंग एक्सट्रीम हाई है, और अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर इतना आपका डेटा या इतनी सिक्योरिटी या इतना आपका ट्रैफिक काम में नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा लगता है ये एक्स्ट्रीम
सिम यूज़ कर रहे हो आप, मीन्स पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल तभी है जब आपको कॉरपोरेट ऑफिसेज हो या गवर्नमेंट के जो बहुत हाई सिक्योर ऑफिसेज होते हैं या शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट जहाँ होते हैं, जहाँ मनी अर्न होता है, वहाँ पर इस तरीके की लाइंस लगा के रखते हैं इंटरनेट के लिए। कनेक्टिविटी का सेम कंसेप्ट से लाइन लगी हुई है, बस इसमें जो है चैनल पूरा आपके लिए रिजर्व है। चैनल इज़ नॉट शेयर, लाइन इज़ नॉट शेयर, चैनल बोलूँ, लाइन बोलूँ, मीडियम बोलूँ, वो आपके लिए पूरा का पूरा जिस यूज़र ने इसकी कनेक्टिविटी ली उसके लिए है, ठीक है। तो ये आपके पास लीज लाइन का कंसेप्ट है। फिर आपके पास इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, ISDN के रूप में हम डायल अप कनेक्शन के रूप में इंटरनेट सर्विसेज को डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से एक्सेस करते हैं। इसकी सुविधा ISDN का नाम है, डायल अप सर्विस ही है, बट ये डिजिटल है बस। हालांकि वर्तमान में डायल अप सर्विस काफ़ी कम हो गई है, इंटीग्रेटेड सर्विस जो है वो कम से कम दो सर्विसेज एक साथ दे सकता है, जिसमें डेटा हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वीडियो है, फैक्स है और है सिंगल लाइन। तो जो कॉपर लाइन्स हैं आपके पास उसी को डिजिटाइज किया हुआ है, और आपके पास ISDN एक तरीके से इंटीग्रेटेड सर्विसेज जिसमें एक से अधिक सर्विसेज एक साथ दे सकते हैं। सर्विसेज आपकी कुछ भी हो सकती है, वॉइस है, डेटा है, फैक्स है, वीडियोज़ है, फैक्स फाइल्स है, अन्य कोई भी। ISDN जो है वो स्विच सर्किट स्विच टेलीफोन के आधार पे काम करता है। ये आल्सो क्योंकि इसमें जब डिजिटल की बात आ जाती है तो पैकेट स्विच का भी इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल ट्रांसमिशन वॉइस के साथ साथ डेटा की भी ट्रेडिशनल कॉपर लाइन पर भेजता है। फिर ISDN टिपिकली क्या स्पीड है ISDN, चूँकि अभी ISDN से ज़्यादा ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट आ गया है, ब्रॉडबैंड है आजकल, ब्रॉडबैंड वायरलेस और USB डोंगल। USB डोंगल से भी अब USB की आवश्यकता नहीं रही, वाईफाई वाला जो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा ब्रॉडबैंड, ये दो अभी वर्तमान में। ब्रॉडबैंड का मतलब टेलीफोन लाइंस से आपको कनेक्टिविटी मिलती है, फाइबर लाइंस आ जाती है, फाइबर का नेटवर्क लगा हुआ है, तो एक तो उससे आपकी जो नेटवर्क स्पीड बहुत फास्ट होती है, हालांकि उसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बोलते हैं जब फाइबर का नेटवर्क या टेलीफोन लाइंस लगती है तो। दूसरा उस पर आप मल्टीपल सर्विसेज तो ले रहे हैं, दूसरा जो है वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस है, जिसमें अंदर आपको आजकल आपने देखा होगा सब एक्सेस पॉइंट ले आते हैं, एक छोटी गोल सर्किल टाइप का घड़ी टाइप का एक छोटा सा आपका डिवाइस है, उसमें सिम से कन्फिगर होता है और वो सर्विसेज ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो ISDN भी आजकल पुरानी सर्विस कम इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है इसमें ISDN प्रोवाइड साइमल्टेनियसली वॉइस वीडियो एंड डेटा एक साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द एंट्री लेवल इंटरफेस ISDN का बेसिक रेट इंटरफेस है, जिसकी स्पीड 128 किलो बिट पर सेकेंड है। डिलीवर अवर पेयर स्टैंडर्ड टेलीफोन कॉपर वायर। दूसरी जो सर्विस है इसकी प्राइमरी रेट इंटरफेस है, जो कि ये डिजिटाइजेशन के लिए जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे काम करता है, 64 किलोबिट पर सेकंड का डेटा रेट। हालांकि इन दोनों को आप मल्टीपल टाइम इंटरफेस करके इसकी स्पीड 155 MBPS, जिसको ब्रॉडबैंड ISDN बोलते हैं, या 622 MBPS तक भी ले सकते हो। तो आजकल सोनट का कंसेप्ट है या दूसरे कंसेप्ट है जिसको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके पास है भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस का कम्युनिकेशन या भारतीय एयरटेल, ये लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं भारत के अंदर जो प्रोवाइड करती हैं, और दोनों ही ISDN का बेसिक रेट इंटरफेस और प्राइमरी रेट इंटरफेस प्लान सपोर्ट करती हैं। और ये अलग अलग प्लान से इंटरफेस से आपको जिस टाइप की स्पीड चाहिए होती है वो स्पीड आपको मिल जाती है। तो ये तीनों ही सर्विसेज आपके एज़ फार एज़ कंसर्न टू योर कोर्स सिलेबस हैं। बाकी जो आजकल जो बेसिक जो सर्विसेज होती हैं ना, तो डायल अप इस्तेमाल हो रही है, लीज लाइन ज़रूर होती है वो तो जहाँ पर बहुत हाई पावर वाले गवर्नमेंट ऑफिस या फिनेंशियल मैटर या सिक्योरिटी मैटर या जैसे शेयर मार्केट या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर बहुत हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो लोग इस लाइन को ख़रीदते हैं क्योंकि इसकी महंगी बहुत होती है, बहुत ही महंगी होती है, स्पीड उसी हिसाब से आपकी होती है। बाकी सिक्योरिटीज़ डाउनलोड अपलोड बहुत अच्छी लीज लाइन है, और ब्रॉडबैंड ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है आजकल, जिसमें जियो फाइबर भी है, BSNL फाइबर भी है, भारत फाइबर भी है, वो अन्य तरह के नेटवर्क हैं। फाइबर होने से उसकी स्पीड अच्छी आ रही है, 100 MBPS तक की स्पीड आ रही है, 100 MBPS/s की स्पीड आ रही है।
दूसरा जो है वो आजकल वाईफाई वाला इस्तेमाल हो रहा है। वाईफाई में भी आजकल एक्सेस पॉइंट आते हैं, छोटी डिवाइस है उसमें सिम लग जाता है और उससे आप हॉटस्पॉट बना के काफ़ी सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी स्पीड भी अच्छी आ रही है, लगभग 50 Mbps के आसपास स्पीड आ जाती है। मीन्स आपके मोबाइल के जो हॉटस्पॉट से आप नेटवर्क लेते हो उससे काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। मोबाइल में लफरी 8 से 10 Mbps तक की स्पीड आ सकती है। डायलअप का जो स्पीड है वो 256 Kbps तक ही है, बहुत कम स्पीड है, 256 kbps है। तो इनके कंपेरिजन आप आराम से लिख सकते हो, कॉस्ट कम है डायलअप की। और सबका सेटअप है, हार्डवेयर सेटअप क्या क्या चाहिए ये आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। पर मंथ कॉस्ट भी आपको पता है, सिम का आपका डेटा प्लान होता है, 1 GB फ्री डेटा प्लान होता है, उसकी कॉस्ट लगभग 100 से 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। जैसे जैसे आप बढ़ते हो 3 GB तक, वो 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको फाइन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके काम की भी हैं, आप खुद भी देख सकते हो कि आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सा प्लान लेना है। अगर आपको घर में टेलीफोन लाइन भी चाहिए, आपको इंटरनेट भी चाहिए और टीवी में भी आपको चैनल देखना है, तो फिर आपका फाइबर प्लान अच्छा है। चाहे भारत फाइबर लो, जियो फाइबर लो या कोई भी लो, और मल्टीपल सर्विसेज एक साथ आ जाती हैं और स्पीड भी बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। और अगर आपको पोर्टेबल देखना है तो वायरलेस का एक्सेस पॉइंट लो, और अगर आपको कम कनेक्टिविटी लेनी है, वायरलेस में आपके एक्सेस पॉइंट भी और मोबाइल भी आपका है ही सही हॉटस्पॉट बना ही लेते हो, और अगर आपको कम कनेक्टिविटी लेनी है तो फिर डायलअप कनेक्शन है। और अगर आपको बहुत हाई स्पीड लेनी है और रिलायबिलिटी ज़्यादा लेनी है तो आपके पास फिर लीज लाइन है। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई डाउट है तो आपको मेरे इस मेल नंबर पर आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।